हमेशा की तरह जब भी मेरे पास कुछ समय रहता है मैं एकांत में ऐहोले एक जगह है वहाँ पर रावण पहाड़ी नाम का एक गुफा है वहाँ चला जाता हूँ। आज भी मैं इसी रावण पहाड़ी नाम की गुफा में बैठा था। यहाँ हमारे सामने एक बहुत ही अद्वितीय मूर्ति हम देख रहे हैं। यह नटराज की मूर्ति है, बहुत ही सुंदर है। नीचे हम बाईं तरफ गणेश जी देखते हैं और दाईं तरफ कार्तिकेय। कार्तिकेय का मुख टूटा हुआ है और महादेव के शरीर पर कई सांप हमें नज़र आ रहे हैं। तीन सांप हम देख सकते हैं, एक बाँह से नीचे आ रहा है और एक बड़े सांप को उन्होंने पकड़ रखा है ऊपर। सामने सप्त मातृकाएँ हमें नज़र आती हैं, उनका जो हेड गियर है बहुत ही अलग है, बहुत ही लंबा है, शरीर बहुत ही सुंदर तरह से बनाया गया है। जो तीसरी वाली सप्त मातृकाएँ हैं उनका जो सिर है मनुष्य का नहीं है, देखने में एक वाइल्ड बोर या एक डोंकी टाइप का सिर लग रहा है। इनके आभूषण बहुत ही सुंदर हैं और मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर सिंगल पहाड़ से बनाई गई हैं। यहाँ एक और देवी को दिखाया गया है जिन्होंने मल्टीपल गार्लेंड्स पहने हुए हैं। इनके आभूषण बहुत ही सुंदर हैं और इनके वस्त्र बिल्कुल यूनिक अलग तरीके के हैं। यह पहाड़ी जो है 5th सेंचुरी के आसपास में बनी थी और ये ऐहोले एक जगह है कर्नाटक में, वहाँ पर यह रावण पहाड़ी नाम की एक जगह है। यहाँ पर सप्त मातृकाज और नटराज की ये जो प्रतिमा है, भारत की जो सबसे वन ऑफ द एंशंट आइकोनोग्राफीज ऑफ लॉर्ड शिवा इज़ हेयर। ये जो हेड गियर है बहुत ही अलग तरीके का है, बहुत ही लंबा है और हर सप्त मातृका, ये जो बीच में कोने में हम व्यक्ति देख रहे हैं, देखने में केवल स्कल और उनकी हड्डियां नज़र आ रही हैं, यह प्रोबेबली भृंगी ऋषि हैं जो शंकर भगवान के बहुत बड़े उपासक थे और उनकी उपासना के सिलसिले में वो भोजन करना उन्होंने छोड़ दिया था और बाद में उनका केवल शरीर ही बचा। कुछ समय बाद शंकर भगवान ने भृंगी ऋषि को वरदान भी दिया था। ये बहुत ही सुंदर अलंकरण हम यहाँ पर देख रहे हैं। यह जो गुफा है एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, उसको काट कर बनाई गई है। दिस टेम्पल इज़ एक्सकेवेटेड आउट ऑफ अ ह्यूज हिल एंड इट्स अ सैंडस्टोन हिल। इसमें जो जितने भी पैनल्स हैं बहुत सुंदर हैं और ये गणेश जी की जो प्रतिमा हम यहाँ देख रहे हैं, यह प्रतिमा भारत की एंशियंट प्रतिमाओं में से एक है। गणेश जी का को जो दिखाया गया है, इस तरह के गणेश जी हमें उदयगिरी की जो गुफाएं हैं विदिशा के पास मध्य प्रदेश में वहाँ भी मिली। हम देख सकते हैं कि इन मूर्तियों की, इन आइकन्स की जो स्थिति है काफ़ी सुरक्षित है। उसका कारण ये है कि दूर से देखने में ऐसा नहीं लगता कि इस पहाड़ी के अंदर कुछ होगा, लेकिन जब हम अंदर आते हैं तो एक अलग ही नज़ारा नज़र आता है। मैं यहाँ पर शायद यह मेरा दसवीं बार मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ आकर एक अलग सा सुकून मिलता है। इसकी छत भी बहुत ही सुंदर तरह से अलंकृत है। ये पूरी गुफा एक्सकेवेटेड है और काफ़ी बड़ी है। अगर आप में से आप लोगों को कभी यहाँ आने का मौका मिले कर्नाटक में, तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप ऐहोले जो जगह है वहाँ ज़रूर आइए। इसी गुफा के दाईं तरफ भी एक एम्प्टी केव है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी जगह है और यहाँ पर बैठकर ज़रूर पुराने समय में ऋषि मुनि तप किया करते होंगे। इस केव की ब्यूटी जो है, इसका रेजोनेंस है। यहाँ इसकी जो इको की प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ही एक मधुर ध्वनि निकलती है। और राइट साइड में हम तीन और केव्स देख सकते हैं।
आप सोचिए कि किस तरह से इतने बड़े पहाड़ को काटकर ये केव्स बनाई गई होंगी। इसके जो बीम्स हैं, कॉलम्स हैं, पिलर्स हैं, प्लेटफॉर्म है, हर चीज़ को एक्सकेवेट किया गया है। एक अलग ही दुनिया है। हम कहते हैं कि जो रेनेसों में यूरोप में जो स्कल्पचर्स बनाई गई वो बहुत ही सुंदर थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भारत में भी जो 5वीं शताब्दी की ये जो गुफा है, इसमें जो भगवान को मनुष्य के रूप में दिखाया गया है, एकदम बलिष्ठ सुंदर शरीर और बहुत ही सुंदर इमोशंस के साथ दिखाया गया है, यह बहुत ही यूनिक है। हर मूर्ति के नीचे छोटे छोटे गनाज हमको नज़र आते हैं। यह देखिए कितना एक सुंदर बलिष्ठ डीटी बनाए गए हैं। ये लॉर्ड शिवा हैं, उनके हाथ में हम त्रिशूल और एक सांप को देख सकते हैं। यह मुख्य गर्भगृह है और इवन ये जो भी पिलर्स जो हमें नज़र आ रहे हैं, ये भी एक्सकेवेटेड हैं, इन्हें अलग से नहीं लगाया गया है। अंदर एक बहुत बड़ा शिवलिंग हम पाते हैं और एक बड़े से पेडेस्टल पर रखा गया है। शिवलिंग में एक जगह है जहाँ से पहाड़ में से होकर के पानी, बारिश का पानी गिरा करता था और वो सीधा शिवलिंग पर आता था। शिवलिंग के पेडेस्टल के ऊपर एक छोटा सा छेद है जिसके थ्रू ये पानी यहाँ इकट्ठा होता था। यहीं पर दो और पैनल्स हैं। एक पैनल महिषासुर मर्दिनी का है, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही पुराना अलंकरण है। मेरे ख्याल से उदयगिरी की गुफा जो विदिशा में है और ये जो रावण पहाड़ी केव है ऐहोले कर्नाटका में, इनमें ये जो महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां हैं, दीज आर आई थिंक प्रोबेबली वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपिक्शन ऑफ दुर्गा एज महिषासुर मर्दिनी। नीचे हम एक भैंस या बफेलो को देखते हैं जो कि एक असुर था, एक राक्षस था, जिसकी मृत्यु दुर्गा देवी के हाथों में हुई। ऊपर हाथ में हम शंख, त्रिशूल, एक फरसा और अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। हाथ में एक धनुष भी बनाया गया है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर डिपिक्शन है। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो हमें विष्णु जी के अवतार वाराह की मूर्ति नज़र आती है। ऊपर हम उनके बाएं हाथ में भूदेवी यानी पृथ्वी को देखते हैं और पृथ्वी के सीधी तरफ एक शंख भी नज़र आता है। यह शंख दिखाता है कि पानी को दर्शाता है। जब पृथ्वी समुद्र के अंदर चली गई थी तब वाराह का अवतार विष्णु जी ने लिया और उन्हें नीचे से समुद्र में से निकाल कर लाए। नीचे हमें नाग देवता नज़र आते हैं। दो ने नाग देवता बनाए गए हैं। नाग देवता समुद्र के प्रतीक हैं और उनका वास समुद्र या हम कह सकते हैं पाताल लोक में होता है। तो ये बहुत ही सुंदर है। मुझे जब कभी समय रहता है, मौका मिलता है, मैं हमेशा छुट्टी के समय ऐहोले में आकर इस पहाड़ी में बैठता हूँ। बहुत ही आनंद का भाव आता है।